हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। मैं हूं आपका पवन कुमार। माय डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने आप लोगों से डिस्कस किया था और बोला भी था कि जो अगला सेशन जो होगा स्टार्ट होगा, यानी अगला वीडियो जो लेक्चर्स हम वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें हमने बोला था कि एक सीरीज लेकर आएंगे और वो सीरीज होगा एस सी वर्मा का सीरीज। यानी कि एस सी वर्मा का पूरा चैप्टर, यानी जीरो से लेकर के पूरा चैप्टर, यानी हायर लेवल तक, यानी चैप्टर वन से लेकर के जहाँ तक उनका है बुक में, पूरा चैप्टर वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन, आज पहले ऑफ वेक्टर्स का डिस्कस करेंगे। यानी कि आज से मेरा लेक्चर शुरू होने वाला है उन बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स जेईई नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आज से उन लोगों के लिए लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जा रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आज से अपना वीडियो लेक्चर जो अपलोड होगा आप लोग देखिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाभ उठा सकें। माय डियर स्टूडेंट, आज मेरा लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, यानी इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर में हम वेक्टर की बात करेंगे, वेक्टर है क्या, वेक्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, व्हाई डू वी नीड वेक्टर्स, वेक्टर हम लोग की जरूरत क्यों है। तो वेक्टर को जानने से पहले माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं। पीछे हम इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि आप लोग नाइन्थ क्लास में पढ़े हैं, तो नाइन्थ क्लास में जो बच्चा पढ़े होंगे तो उनको तो जरूर याद होगा कि सर हमको वेक्टर पढ़ाए थे, थोड़ा सा केवल डिफिनेशन याद होगा। माय डियर स्टूडेंट, आज वही डिफिनेशन आज एक चैप्टर बन गया, आज वही एक टॉपिक वेक्टर्स आप पढ़े हैं ना नाइन्थ क्लास में, वो आज एक चैप्टर बन गया है, सोच लो। तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं कि वेक्टर है क्या। तो वेक्टर का थोड़ा जानना चाहते हैं, तो वेक्टर आया कहाँ से। वेक्टर माय डियर स्टूडेंट, जब हम लोग नाइन्थ क्लास में थे तो एक चैप्टर पढ़े थे मेजरमेंट, और मेजरमेंट में एक टॉपिक था जिसका नाम था फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज में हम पढ़े थे, फिजिकल क्वांटिटीज का दो टाइप्स होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटीज और एक वेक्टर क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज से हम लोग को पता चला कि वेक्टर आ रहा है, यानी कि ऐसे तो कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज है क्या, अगर हमसे पूछ सकते हैं कि डिफिनेशन है क्या फिजिकल, तो फिजिकल क्वांटिटीज का डिफिनेशन होता है माय डियर स्टूडेंट, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर, वैसा राशि जिससे केवल माप या तौल सकते हैं। तो माप या तौल सकते हैं यानी मेजर कर सकते हैं। मेजर क्या चीज़ से, कौन कौन से टाइप से मेजर कर सकते हैं, एक स्केलर से मेजर कर सकते हैं, एक वेक्टर से मेजर कर सकते हैं। तो स्केलर से कैसे मेजर करेंगे और वेक्टर से कैसे मेजर करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, स्केलर में होता क्या है कि मेजर उसे भी करते हैं, तो कैसे करते हैं, जैसे पापा बोलेंगे बच्चों या बाबू जाओ तुम 2 किलो आम लेके आओ, तो हमने तुरंत गया मार्केट से 2 किलो आम ले चला, तो पापा को दे दिया, पापा लीजिए 2 किलो आम, तो वहां तो ले चला है, हमारा कोई इसमें कोई इशू हुआ नहीं, टैग ला दिया। तो अगर फिर वही अगर मेरे पास अगर मेरा मुझे फीवर लग गया है, बुखार लग गया है, तो डॉक्टर आएगा मुझे माप करने के लिए, चेक करने के लिए आए, तो देखेगा मापेगा, थर्मामीटर से पता चला कि मेरा फीवर 101 डिग्री, तो डॉक्टर से पूछेंगे डॉक्टर साहब कितना फीवर है, मुझे कितना बुखार हुआ है, तो मेजर करके बताया 101 डिग्री। तो 101 डिग्री में पूछेंगे क्या 101, तो बताएंगे कि 101 डिग्री बाबू आपका फारेनहाइट, तो उसमें भी कोई इशू नहीं, वो डायरेक्टली बता दिया। तो हम ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज में ये पता चल रहा है कि यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक यूनिट होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक यूनिट होता है, यानी जिसको NU बोला जाता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो मैग्नीट्यूड होता है माइनस, यानी कि अगर हम मैंगो 2 किलो लिए तो 2 किलो हमारा ये क्या है, 2 क्या हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू माय डियर स्टूडेंट, ये 2 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी क्या है माय डियर स्टूडेंट, यूनिट है, ये क्या है यूनिट। उसी तरह से ये हमारा 101 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड है वो परिमाण, और फारेनहाइट हमारा क्या है यूनिट, ये क्या है मैग्नीट्यूड है, ये हमारा यूनिट। एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे अब दुकानदार के पास गया, पापा बोले बाबू जाओ 2 किलो आम लेकर, और दुकानदार के पास गया, अंकल अंकल
दो आम दीजिए, तो दो आम तो दे देंगे लेकिन वो वेट करेंगे, वेट करने से पता चलेगा कितना है, तो कितना आम चाहिए वो पूछेंगे ना। या फिर तुम मार्केट में गए हो उस सब्जी खरीदने के लिए या कुछ खरीदने के लिए, वहां बोलेगा बाप अंकल दो दे दीजिए, क्या दो दे दें। जब तक यहाँ यूनिट नहीं बताओगे तब तक उसका इक्वल एक्यूरेट वैल्यू पता नहीं चल पाता, तो वहाँ पे यूनिट बताना पड़ेगा। इसलिए फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है जिसे केवल माप या तौल सकते। तो हमारा पता चल गया कि फिजिकल क्वांटिटीज में हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यूनिट होता है। पता चल गया दो किलो आम लेंगे तो दो हमारा यूनिट मैग्नीट्यूड आ रहा है और दो केजी हमारा यूनिट आ रहा है। उसी तरह से डॉक्टर आया मेरे पास चेक किया, 101 आया, क्या 101 आया, 101 क्या आया, वो डायरेक्ट बोलेगा डिग्री फारेनहाइट, वो टेम्परेचर बताएगा हमको कितना डिग्री आपको बुखार है, कितने फारेनहाइट में। तो जैसे ही फारेनहाइट बताएगा तो हम समझ जाएंगे कि मुझे इतना बुखार है, इतना डिग्री मुझे बुखार है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि फिजिकल क्वांटिटीज से हम लोग मेजर कैसे करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को इसलिए हम लोग पढ़ाएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज देखो अब हुआ क्या, फिजिकल क्वांटिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है बट थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया कि अब चलो ठीक है हम तो ये सब मेजर कर लेते हैं, दो किलो तीन किलो चार किलो इतना डिग्री अंदर सब चीज माप लेते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट एक जगह पर क्या प्रॉब्लम हो गया कि वहाँ पे डायरेक्शन जब आने लगा, जब डायरेक्शन का कंसेप्ट आ गया तो फिजिकल क्वांटिटी मेजर नहीं कर पा रहा था। तो फिजिकल क्वांटिटी ने क्या किया, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, जो हम पहले बोल चुके हैं स्केलर और वेक्टर, उसको अभी डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं उसके ऊपर। तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, एक का नाम रखा स्केलर और एक का नाम रखा वेक्टर। बात समझ में आ रहा ना, एक का नाम रखा स्केलर दूसरे का नाम रखा वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज क्या मेजर करेगा ये सब हो गया, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या मेजर करेगा। तो स्केलर क्वांटिटी ने ये डिसाइड किया कि केवल हम मैग्नीट्यूड का डिसाइड करेंगे, केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बताएंगे, मैग्नीट्यूड के बारे में बताएंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी बोला ठीक है तो मैग्नीट्यूड के बारे में बताओ, हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बताएंगे, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो वेक्टर जो है ना, वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का कंसेप्ट बताने लगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का होता है, जबकि हमारा स्केलर क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड का ही बात आता है। स्केलर क्वांटिटीज में क्या चीज क्या बात आता है, केवल मैग्नीट्यूड का ही बात आता है। जैसे दो किलो आम लिए तो हमारा क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन है नहीं कुछ। एक सौ एक डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर मेरे बुखार है, डिग्री बुखार है तो हम क्या कहेंगे, 100 डिग्री फारेनहाइट हमारा मैग्नीट्यूड बता रहा है। चार किलो चावल लिए क्या मैग्नीट्यूड बता दें। लेकिन माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे बात थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ये आ रहा है कि अब डायरेक्शन को कैसे हमको रिप्रेजेंट करना है, कैसे बताना होगा कि डायरेक्शन। तो एक बच्चों एक सीधा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन से कैसे। जैसे आज घर में कुछ होने वाला है, मान के चलो घर में कुछ अच्छा सा कुछ फंक्शन होने वाला है, पापा मम्मी पूरा फैमिली एकजुट हो गए, यानी फुआ दीदी सब आ गए घर में। तो पापा बोले बाबू जाओ एक किलो रसगुल्ला लेकर आओ, पूरा फैमिली में मिल बांट कर खाएंगे, मार्केट से मिठाई लेके जो बढ़िया शॉप होगा उससे लेके आना, है ना उससे ले। बच्चा सुना इस बात को एक्साइटेड हो गया, दौड़ के चला गया, चलो मिठाई लेके खाते हैं। निकला घर में साइकिल पकड़ा चला, वहाँ गया तो उसको तो पता नहीं, यहाँ तो देख रहा है बाप किधर है शॉप, अच्छा दुकान जो है वो अच्छा मिठाई वाला वो तो पता नहीं चला कौन सा डायरेक्शन किसा है। तो भाई अब वहाँ तो प्रॉब्लम में आ गया, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, बुड़बका ही कर दिया। तो उसने क्या किया, एक आदमी से पूछा अंकल बताइए ये दुकान का किधर है, ये किधर है ये दुकान। तो दुकानदार जो आदमी था वो बोला बाबू ये गली में घुसो, इस गली में जाना उत्तर दिशा में जाना या नॉर्थ साइड में जाना, उधर उस दुकान पर ये शॉप है। बच्चा तुरंत गया वहाँ से ले लिया मिठाई और वहाँ से चला आया घर, पूरा घर में इंजॉय के साथ खाए। तो बच्चों देखो इससे यह पता चला कि डायरेक्शन का कितना बड़ा रोल होता है, वेक्टर का यहाँ पे यानी कि डायरेक्शन का कितना बड़ा रोल होता है। अगर मुझे डायरेक्शन नहीं पता होता तो बताओ हम इधर से उधर उधर से उधर भटकते रह जाते कि नहीं मार्केट में। तो डायरेक्शन ही एक ऐसा डायरेक्शन ही नहीं बताया कि इस डायरेक्शन में उस मिठाई का दुकान है, तो हमने डायरेक्ट वहाँ पे गया मिठाई का लिया और चल दिया वहाँ से। अगर डायरेक्शन नहीं होता तो हम नहीं जा पाते।
तो वेक्टर क्वांटिटीज का इसलिए जरूरत हो जाता है क्योंकि वहां पर डायरेक्शन का बहुत कर, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी बारे में बता देते हैं। जैसे देखो अभी थोड़ा बाबू जाओ, तो घर है मेरे यहां से, घर से निकले यहाँ पे गए, यहाँ पे क्या गए, यहाँ पे गए जहाँ पे मार्केट है, और मार्केट से नॉर्थ दिशा में इधर गए, तो यहाँ से हम 3 मीटर गए, यानी 3 मीटर यहाँ से गए, 2 मीटर इधर गए, किधर कौन सा डायरेक्शन में गए, इधर हमारा ईस्ट डायरेक्शन में गए, इधर हम ईस्ट डायरेक्शन में गए, इधर हमारा कौन सा नॉर्थ डायरेक्शन में गए, तो हम यहाँ से यानी मैग्नीट्यूड तो हमारा इसका तो निकल ही जाएगा डिस्प्लेसमेंट के आधार पर, यानी पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर हम इसको निकाल देंगे, लेकिन डायरेक्शन तो ये तो पता चल गया कि नॉर्थ और ईस्ट में हमारा, नॉर्थ ईस्ट हम गए, नॉर्थ ईस्ट गए, इससे तो हमको पता चला ना, तो डायरेक्शन का कितना बड़ा रोल है बच्चों, अब समझ में आ गया ना। तो ये चीज होता है हमारा डायरेक्शन का सबसे बड़ा खेल, डायरेक्शन बच्चों बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा फिजिक्स में, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर में खास करके वेक्टर का डिफिनेशन ही है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रोल है। तो अब ये चीज हम समझ में आ गया कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, और हम वेक्टर का यानी कि व्हाई डू वी नीड वेक्टर्स, हम लोग वेक्टर्स क्यों पढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट कि अब हमने डिस्कस कर चुका है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि ठीक है, तो अब हमने पढ़ चुका है वेक्टर का डिफिनेशन, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके, अब पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। माय डियर स्टूडेंट बहुत यानी कि दैशिक राशि और अदैशिक राशि में क्या अंतर है, इसके बारे में मुझे आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके, सब बच्चों 9th क्लास का है, इसमें कोई दम नहीं है, आप लोग इसको बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और पूरा रिकॉल हो जाएगा। आप लोग पढ़ चुके होंगे दैशिक राशि किसे कहते हैं, अदैशिक राशि किसे कहते हैं, अदैशिक राशि और अदैशिक राशि में अंतर क्या है, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, कहीं कहीं सदिश राशि और अदिश राशि लिखा रहता है, तो कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही है, सदिश अदिश बोलो या फिर दैशिक अदैशिक बोलो, उसमें कोई ये नहीं है, डिफरेंस नहीं। तो हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज और डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले अभी आप लोगों को बताया गया एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया कि जो स्केलर क्वांटिटी जो होता है, स्केलर क्वांटिटी जो होता है ना वो न्यूमेरिकल वैल्यू को ही केवल बताता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को ही ये बताता है। जैसे अभी हमको बोले कि 2 किलो आम, ये क्या केवल मैग्नीट्यूड को ही बता रहा है कि नहीं बता रहा है ना, 2 किलो आम अगर हम मार्केट से खरीद रहे हैं तो केवल हमको क्या बता रहा है, केवल मैग्नीट्यूड का ही बात बता रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रेजेंट कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटी। बट माय डियर स्टूडेंट वेक्टर क्वांटिटी ऐसा नहीं है, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में आप लोग को भी बताया है कि न्यूमेरिकल वैल्यू को तो बताता ही है साथ साथ, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को ही बताता है साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है, ये डायरेक्शन भी बताता है, यानी कि मैग्नीट्यूड इसको भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं और डायरेक्शन भी बताता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। माय डियर स्टूडेंट इससे भी ये नहीं काम चल सकता है, और इसके साथ एक रोल है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वेक्टर के साथ, क्या रोल प्ले करता है, ऑलवेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि स्केलर जो है केवल न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड के बारे में केवल बताता है, बट हमारा वेक्टर क्वांटिटी जो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड के बताता ही है साथ साथ डायरेक्शन भी, साथ साथ ऑलवेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यानी कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बताता है। अब बच्चों आप लोग को समझ में नहीं आया, ये नया कंसेप्ट कहाँ से ला दिए सर, 9th में तो ये पढ़ना ही नहीं था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो अब 9th में ये थोड़ा सा 11th है तो थोड़ा सा तो हाई रहेगा ये, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट अभी हम बताते हैं। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में क्या है कि सुनो, जैसे एक बच्चा है, वेक्टर को कैसे ऐड करें, एक मेरा एक बच्चा है जिसका नाम है बिट्टू, बिट्टू क्या किया, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कैसे ऐड करेंगे, 3 मीटर इधर चला,
और 4 मीटर इधर चला, फिर यहां से चला 4 मीटर इधर चला, 3 मीटर इधर चला, 4 मीटर इधर चला, हाँ 3 मीटर इधर चला, 4 मीटर इधर चला, तो डायरेक्ट हमने क्या कर दिया 7 मीटर। ये वेक्टर हमारा कितना गया 7 मीटर। अब जोड़ तो दिए, फिर माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा हम एक और लेते हैं। बच्चों आप लोग अगर नोट्स बनाते जाना तो बनाते जाइएगा, क्योंकि हम थोड़ा मिटा दे है ना। तो अब देखो, हाँ तो बच्चों हम अभी बता रहे थे ओबेस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि पहला कंडीशन बताया है वेक्टर का कि न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड को बताता है, फिर हमारा डायरेक्शन को बताता है, फिर तीसरा कंसेप्ट है ओबेस लॉ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे अभी देखो पता चल जाएगा, इसका एग्जांपल दे रहे हैं हम, एग्जांपल दे रहे हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा मिटा दे रहे हैं, फिर बाद में लिख देंगे कि जैसे देखो एक बिट्टू नाम का कोई स्टूडेंट है, वो 4 मीटर इधर से गया, यहाँ तक 4 मीटर गया, फिर यहाँ रुका, फिर वो 3 मीटर यहाँ चला गया, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यानी कि टोटल 7 मीटर आ जाएगा। हमने क्या किया, जोड़ दिया, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो किया, जोड़ दिया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट ऐसा मत समझ देना कि ये की सबका आंसर एक ही जैसा है, देखो कैसे आता है आंसर, ये तो चला गया। लेकिन जैसे ही बिट्टू क्या किया यहाँ तक, अब ये 4 मीटर चला, ये 4 मीटर चला, फिर यहाँ 4 मीटर गया, और फिर यहाँ तक रुका, फिर इधर 3 मीटर आ गया, यानी यहाँ 3 मीटर यहाँ से चलाया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा करेगा, लेकिन इसका आंसर कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 मीटर आ गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 मीटर आ जाएगा। अब देखो माय डियर स्टूडेंट तीसरा कंडीशन क्या है, 4 मीटर इधर चला, फिर 4 मीटर चल करके फिर नॉर्थ की तरफ चल गया 3 मीटर, तो यहाँ पे इसका आंसर अलग हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर इसका वैल्यू निकलेगा, और इसका शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट के आधार पर निकलेगा, यानी कि यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 मीटर स्टूडेंट, 5 मीटर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या खेल खेल रहा है, पहला जब 4 मीटर 3 मीटर गया तो 7 मीटर हो गया, दूसरा जब 4 मीटर 7 मीटर बाइक आया, 4 मीटर आगे गया फिर 3 मीटर बाइक आ गया, उसका एक आंसर आया। लेकिन अभी देख रहे हैं जब यहाँ 4 मीटर गया यहाँ 3 मीटर गया तो इसका आंसर देख रहे हैं 5 मीटर आ गया, तो ये हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है ये यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि वेक्टर का जो लॉज है उसको फॉलो कर रहा है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा क्या, ये और ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट के आधार पर निकल रहा है, और डिस्प्लेसमेंट का डिफ्लेशन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, यानी कि जो सबसे कम दूरी तय करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इधर 4 मीटर गया 7 मीटर गया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर निकलेगा। ये होता है माय डियर स्टूडेंट, ये पूरा पूरा खेल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को होता है। देखो ओबेस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यानी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है माय डियर स्टूडेंट। दूसरा हमारा है एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनली रूल्स ऑफ अलजेब्रा, जो हमारा स्केलर क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज है वो क्या है कि वो डायरेक्टली जुट जाता है अलजेब्रा, जैसे अलजेब्रा में कैसे होता है 2x + 2x कितना हो जाएगा 4x, अलजेब्रा कैसे जुट जाता है उसी तरह से इसमें पापा बोले बच्चों बाबू घर में 5 आदमी आए जाओ 2 किलो आम लेके आओ, गए हमने 2 किलो आम खरीद ले चलाए, फिर कुछ देर के बाद 2 आदमी और बढ़ गया 2 किलो हो नहीं रहा बाबू तुम फिर जाओ 2 किलो आम लेके आओ, फिर 2 किलो आम लेके चला गया, टोटल कितना आम हो जाएगा 4 किलो आम हो जाएगा, या फिर बोला कि जाओ 4 किलो आम लेकर आओ, तो तुम 2 किलो ये थैली में 2 किलो ये थैली में बाबू पापा जी लीजिए 4 किलो आम लेके चला, इजीली जुट जाता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने 4 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, फिर 3 किलोमीटर और डिस्टेंस तय किया, डायरेक्टली 7 किलोमीटर डिस्टेंस तय, हमारा क्या हो जाएगा टोटल जुट गया अलजेब्रा, जिसको बोलते हैं एडेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जिसको बोलते हैं एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा, यानी अलजेब्रा के तहत ये जुट जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्केलर में। बट वेक्टर में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, वेक्टर में थोड़ा बोले ना, वेक्टर इसीलिए तो अलग है स्केलर से, वेक्टर में क्या आ रहा यही जरूर फॉलो करता है, जैसे बोले
एडिशन ऑफ वेक्टर जिसको बोलते हैं एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर, ये थोरली नहीं जुट जाएगा अलजेब्रा के साथ, ये अलजेब्रा के जैसा नहीं जुट जाएगा जैसा स्केलर में अलजेब्रा के साथ जुट गया। वो हमारा क्या रूल पर फॉलो करेगा, एडेड टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यहां भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा जोड़ने में भी, जिसको अभी बता चुके एग्जांपल में, जो पहले बता चुके हैं ना कि चार इधर चला तीन इधर चला तो उसका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या, तो जोड़ने में भी इसका रूल प्ले करता है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का भी यहां जोड़ने में भी मदद, ये थ्रोली जैसे जुट जा रहा है सिंपली ऐसे वो नहीं जुटेगा, उसका एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा माय डियर स्टूडेंट। ये हमारा स्केलर और वेक्टर का ये है माय डियर स्टूडेंट। अब आप एग्जांपल बता देते स्केलर क्वांटिटीज है क्या कौन कौन, वेक्टर क्वांटिटीज है कौन कौन। तो स्केलर क्वांटिटीज में हमारा मास आता है, जैसे 2 किलो हम, 2 किलो हम, 4 किलो मास किसी का वजन स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस 4 मीटर इधर चले 3 मीटर फिर चले 7 मीटर होगा डिस्टेंस जुट गया माय डियर स्टूडेंट। स्पीड जिसको कहते हैं, चाल जिसको कहते हैं, टेम्परेचर हमारा, एनर्जी हमारा, ये सब क्या है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इसका केवल मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता है। लेकिन अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज में क्या बोले थे कि जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जिसमें बताता हूँ, जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बात करते हैं। वेलोसिटी, फिर हमारा फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है जिसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन दोनों फॉलो करता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये सब हमारा वेक्टर क्वांटिटीज है। क्या है सब है, वेक्टर क्वांटिटीज है। यहाँ तक बच्चों अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आंसर यहाँ तक, तो हम अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखेंगे और धीरे धीरे हम अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इसको लिखते जाइए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नहीं होगा तो हम पीडीएफ आप लोग को अपलोड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप लिखते जाइए तो बेटर होगा, इससे आपका भी रिवीजन होगा और आपको याद करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो माय डियर स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने बता दिया, क्या बताया कि वेक्टर क्वांटिटी बताया कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, यानी डायरेक्शन के अलावा, डायरेक्शन होगा तभी हमारा वेक्टर, इस तरह का बताया जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का वेक्टर था। लेकिन एक कंसेप्ट है माय डियर स्टूडेंट, और वो कंसेप्ट है हमारा, हम बात करते हैं। हाँ तो अभी हमने बात किया कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज का डिफरेंस क्या है, तो हमने बता दिया। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, आगे है कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखो बच्चों, अभी हमने बात किया कि वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है कि डायरेक्शन होता है, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है डायरेक्शन होता है, एक डायरेक्शन का रोल प्ले होता है उसमें वेक्टर क्वांटिटीज में। बट माय डियर स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है समझो पहले, कि ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन, यानी कि जितने भी वेक्टर हैं सभी वेक्टर में क्वांटिटी जो डायरेक्शन होता है, बट ऑल क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर्स, बट कुछ कुछ क्वांटिटीज ऐसे भी है, कुछ कुछ ऐसे भी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होने के बावजूद भी उसमें वो वेक्टर नहीं होता है, वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट। जैसे इसमें क्या लिखा है, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन, यानी जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज है सब में डायरेक्शन होता है, बट कुछ कुछ ऐसे क्वांटिटीज होता है माय डियर स्टूडेंट कि जिसमें डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो वेक्टर नहीं होता है। ये कौन सा खेल आ गया यहां से, अभी तो बोले थे सर कि वेक्टर में तो डायरेक्शन होता है, हमने बोला होता है डायरेक्शन तो ही है, बट कि कुछ कुछ में ऐसा होता है, कुछ कुछ क्वांटिटीज में ऐसा होता है माय डियर स्टूडेंट कि उसमें वेक्टर यानी डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। एग्जांपल के तौर पे हमने जैसे इधर से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री को एंगल बन रहा है, एंगल कितना बना दिया जाए डजंट मैटर, वो एंगल पर डिपेंड करता ही नहीं, वो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है डायरेक्टली इधर थ्रोली जैसे हमारा कैसे जुट जाता था 5 एम्पियर, जिसे स्केलर में कैसे जुट जाता है तो 3 to 5 एम्पियर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा 5 एम्पियर। अगर हम और ले दूसरे तरीके से ले, इधर से कर लेते हैं
इधर से अगर 8 एम्पियर आ रहा है, सॉरी इधर से 8 एम्पियर आ रहा है, इधर से 7 एम्पियर जा रहा है और करंट इधर जाना है, तो 15 एम्पियर हमारा माय डियर स्टूडेंट ये डायरेक्टली टूचे यहाँ पर एंगल भी बन रहा है, यहाँ भी एंगल बन रहा है, बट एंगल का कोई अब मैटर नहीं करेगा। जबकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में क्या था, एंगल पे डिपेंड था, यानी एंगल पे डिपेंड था, यानी कि इसमें एंगल बना दो, कितना भी बना दो एंगल से उसको कोई मतलब। तो पूछा अब तुम लोग के मन में सवाल उठ गया माय डियर स्टूडेंट कि सर जब वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं है तो कौन सा क्वांटिटी है, तो माय डियर स्टूडेंट वेक्टर नहीं तो स्केलर होगा, यही होगा और क्या होगा, ये हमारा कौन सा क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज में आ जाता है, ये कौन सा क्वांटिटीज में आ जाता है, स्केलर क्वांटिटीज में आ जाता है। तो वही लिखा हुआ कि ऑल वेक्टर क्वांटिटीज यानी जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज है उसमें डायरेक्शन होता है, परंतु कुछ कुछ क्वांटिटीज ऐसे भी होते हैं जिसमें डायरेक्शन होने के बावजूद भी वेक्टर नहीं होता है। इसका एग्जांपल हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रिक करंट, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा क्वांटिटीज है जिसमें डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं। दूसरा और एक हमारा एग्जांपल प्रेशर, प्रेशर में हमारा अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, देखता है प्रेशर ऊपर से जब बाल्टी में पानी रखते हैं तो ऊपर से प्रेशर लगता है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है प्रेशर, तो डायरेक्शन तो है ना बट वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, डायरेक्शन होने के बावजूद भी वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है कि कुछ कुछ क्वांटिटीज ऐसे ही होते हैं मेरे दोस्त जो वेक्टर डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। यहां तक क्लियर माय डियर स्टूडेंट, आप इसको अगर नोट्स बनाना तो नोट्स बनाइए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए हम आगे। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट मेरा अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि जैसे ये हमारा एक इस तरह का रहता है, ये हमारा वेक्टर को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। हम क्या करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरो को द्वारा रिप्रेजेंट, एरो यानी तीर, तीर के द्वारा रिप्रेजेंट। तो ये जो एरो जो है माय डियर स्टूडेंट, ये इसमें होता है क्या, ये हमारा ये जो यहां से यहां तक जो लेंथ है, यानी यहां से यहां तक जो लेंथ है वो हमारा मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। ये जो हमारा ये जो लेंथ है ये पूरा यहां से वो क्या दिखाता है, ये जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को दिखाता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। ये जो एरो है, एरो वो हमारा क्या चीज का बताता है, डायरेक्शन का बताता है, ये हमारा डायरेक्शन को बताता है। इसको हम लोग हेड बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, यानी टेल यानी पूछ जिसको बोलते हैं, यानी ये हमारा टेल हो गया और ये हमारा हेड हो गया। ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये हमारा क्या है, ये जो यहाँ से तक हमारा क्या है वो मैग्नीट्यूड है, ये हमारा एरो जो है, एरो का जो वो हमारा डायरेक्शन को बताता है जिसको हेड कहते हैं, ये हमारा क्या है टेल है जिसको हम। अब सपोज माय डियर स्टूडेंट कोई बोल दिया कि कोई एक एग्जाम्पल लेके हमको बताइए कि वो इतना मीटर डायरेक्शन साउथ में गया नॉर्थ में गया, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो मान के चलो माय डियर स्टूडेंट हम कोई एग्जांपल लिए, जैसे 5 न्यूटन हम बोल देंगे, 5 न्यूटन उसको ईस्ट में गया, तो 5 न्यूटन ईस्ट में गया उसको रिप्रेजेंट करने बोला है माय डियर स्टूडेंट। तो 5 न्यूटन हमको ईस्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो हमारा सबसे सीधा तरीका जिसे ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है इधर, साउथ होता है, वेस्ट होता है, ईस्ट होता है, यानी मान के चलो यहाँ से 5 मीटर ईस्ट गया तो 5 न्यूटन ईस्ट गया ना, न्यूटन गया, न्यूटन कभी ये होता है मीटर, कभी 1 न्यूटन 2 न्यूटन हम लोग चलते हैं, नहीं चलते है। हम लोग चलते हैं आप मीटर, लेंथ का यूनिट क्या होता है, यानी कि मीटर होता है या सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग न्यूटन को क्या करेंगे, मान लेंगे 1 न्यूटन बराबर, हम मान लेंगे 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 5 न्यूटन इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर जगह, 5 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग यहाँ से कितना सेंटीमीटर चलेंगे, 5 सेंटीमीटर चलेंगे, कितना चलेंगे 5 सेंटीमीटर चलेंगे, तो हम लोग यहाँ 5 सेंटीमीटर कर लिए, तो 5 सेंटीमीटर चले, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। तो अब 5 सेंटीमीटर तो चल गए हम लोग ईस्ट की तरफ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 न्यूटन भी चले, यानी 5 सेंटीमीटर यानी 5 न्यूटन है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। तो हम लोग सीधा साधा इस तरह से नहीं लिख पाएंगे, क्या हर मैथ को इस तरह बना पाएंगे, हर बड़ा हर मैथ को इस तरह से एक ये बनाएंगे उसके बाद ये लिखेंगे, नहीं ऐसे नहीं हो सकता।
तो हम क्या लिख देंगे, फोर्स, यानी फोर्स लग रहा, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो हम फोर्स के ऊपर क्या करेंगे, एरो लगा देंगे, फोर्स के ऊपर क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे और लिख देंगे 5 न्यूटन ईस्ट। क्या लिख देंगे, 5 न्यूटन ईस्ट लिख देंगे, है ना, 5 न्यूटन ईस्ट लिख दिए। तो इस तरह से होता है, या फिर इसको तुम इस तरह भी लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट, 5 है उसको मॉड चढ़ा दो, और मॉड को केवल हम क्या लिखेंगे, 5 न्यूटन। याद रखना मेरे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 5 न्यूटन बराबर 5 न्यूटन ही लिखे, सॉरी यहाँ पे, हाँ एफ बराबर, सॉरी एफ बराबर होगा 5 न्यूटन ही लिखे, क्यों, क्योंकि मॉड का डायरेक्शन नहीं होता है, मॉड का डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए केवल क्या लिखे, 5 न्यूटन ही लिखे, क्या लिखे, 5 न्यूटन लिखे। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल सब यार मिलेगा इसको कैसे रिप्रेजेंट करना। जैसे देखो, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख दिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका वैल्यू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ, लेकिन केवल अगर इस पर अगर मॉड हटा देंगे और केवल ए रहा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, क्या लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन लिखेंगे। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक समझ में आ गया कि हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट, अब एक हम एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका ये जो यहां से यहां तक लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ये जो हमारा जो एरो का साइन है उसको हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं, जिसको हेड भी बोला जाता है, पीछे वाला को क्या बोला जाता है, टेल बोला जाता है। तो उसका एग्जांपल हमने लिया माय स्टूडेंट, कि हमको 5 न्यूटन ईस्ट जाना है, तो 5 न्यूटन ईस्ट को हमको किस तरह से डिनोट करना है, तो 5 न्यूटन ईस्ट को हम क्या करेंगे, 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से इसको रिप्रेजेंट कर दिए। बट माय डियर स्टूडेंट, क्या हर मेथ में इसे बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग क्या किया, इसको क्या किया, एफ फॉर हम लोग क्या कर दिया, एफ पर एक एरो का साइन देकर के 5 न्यूटन ईस्ट लिख दिया। ये सबसे बेस्ट है, यही हमारा बुक में एग्जांपल में हर जगह पे यूज होगा। अगर मॉड में अगर आ गया माय डियर स्टूडेंट, तो केवल 5 न्यूटन लिखेंगे, क्योंकि मॉड का डायरेक्शन नहीं होता है। माय डियर स्टूडेंट देखो, इसका मॉड लगा दिए तो केवल मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखे, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, लेकिन जैसे ही मॉड हटाए ये लगा दिए मैग्नीट्यूड, ए पर केवल एरो है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन इस पर लिखे, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन। माय डियर स्टूडेंट, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर मेरा क्लास एंड होगा, फिर नया टॉपिक स्टार्ट होगा, यानी कि जिसको बोलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड वेक्टर, जो कल जो मेरा वीडियो लेक्चर अपलोड होगा उस पर आप लोग देखिएगा। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कम से कम, हमसे बोला जा रहा है कि एक हमारा, जिसे अभी हम बोल रहे हैं कि ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा क्या साउथ है, ये वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, और बोल दिया कि तो नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट, बट आपको बोल दिया कि बीच से एक 40, ये तो हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा क्या 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से बीच से अगर एक हमारा रास्ता चला गया, तो उसको कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे, उसको हम लोग कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो उसको बोलेंगे देखो, तो नॉर्थ और ईस्ट किसके बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, समझ में आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसे हमारा 45 डिग्री बन रहा है, उसी तरह से अगर इस डायरेक्शन में चल जाएंगे तो कौन सा डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, कौन सा डायरेक्शन में हो जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, फिर अगर इस तरह से आ जाएंगे तो हमारा कौन सा डायरेक्शन में हो जाएगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, कौन सा डायरेक्शन में हो जाएगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, उसी तरह से इसमें चला गया तो किस कौन सा डायरेक्शन में हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, समझ गया ना, सबका डायरेक्शन अलग अलग, जब बीच में रहेगा तो ये बीच में रहेगा तो नॉर्थ ईस्ट, ये बीच में रहेगा साउथ ईस्ट, ये बीच में रहेगा साउथ वेस्ट, इस बीच में रहेगा तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, चलो बीच बीच में रहा तो चलो हमने डिवाइड कर दिया, बट माय डियर स्टूडेंट यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगा कि अगर सपोज मैंने बोल दिया कि हम 30 डिग्री चल रहे हैं, 30 डिग्री हमको यहाँ से जाना है, तो 30 डिग्री मैंने एंगल यहाँ बना दिया, 30 डिग्री यहाँ से मैंने गया, अब 30 डिग्री गया यहाँ, तो 30 डिग्री गया, 30 डिग्री गया माय डियर स्टूडेंट, तो हम कौन सा डायरेक्शन क्यों जा रहे हैं, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक मिनट देख लो, यहाँ पे 30 डिग्री बना तो हम क्या बोलेंगे, ये ईस्ट है,
ईस्ट है ना, किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो हम क्या कहेंगे इसको, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट। यानी कि किससे किससे की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो क्या बोलेंगे, कितना डिग्री बना करके जा रहे हैं, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, किधर जा रहे हैं, नॉर्थ ऑफ, यानी नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं माय डियर। उसी तरह से अगर बोल दिया कि तुम इधर जा रहे हो 20 डिग्री, यहां से लो 20 डिग्री जा रहे हैं, तो किससे किससे तरफ जा रहे हैं माय डियर, देखो लो किससे किससे जा रहे हैं, वेस्ट से साउथ की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट से साउथ की तरफ जा रहे हैं, है ना। डायरेक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है माय डियर स्टूडेंट। यहां से तुम आप लोग का मैथ जब आएगा, जब न्यूमेरिकल जब हम सोल्व करेंगे, तो यहां से इसी सब का पूरा इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा रोल रहेगा उसमें, बहुत यूज होगा इसमें। तो हम किधर से जा रहे हैं, वेस्ट से साउथ की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट से साउथ की तरफ जा रहे हैं, यानी इधर से इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 20 डिग्री, 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, समझ में आ रहा है ना माय स्टूडेंट। फिर उसी तरह से अगर हम यहां से बोल देंगे कि चलो कितना तुम जितना इच्छा हमको 60 डिग्री चल गए, मान के चलो यहां से 60 डिग्री चल गए, तो 60 डिग्री चले हम यहां से, ऐसे मान के चलो यहां से 60 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री इधर बन जाएगा, 45 है ना, तो 60 इधर आ जाएगा, थोड़ा सा इधर आएगा ना, है ना, 60 डिग्री इधर आ जाएगा, तो 60 डिग्री यहां पे आ जाएगा, तो 60 डिग्री हमारा बन गया माय डियर स्टूडेंट। किधर से किधर जा रहा है 60 डिग्री, हम किधर से किधर जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना, किससे, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो आप लिख दीजिए, लिख सकते हैं 60 डिग्री, आप लिख देंगे यहाँ पे 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नहीं सॉरी, हाँ 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, क्योंकि हम लोग नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो ये मेरा पहला लेक्चर था आज का वीडियो एसी वर्मा का, तो जिसमें हमने पूरा डिटेल्स समझा, यहाँ से शुरुआत से लेकर के जीरो से लेकर के बेसिक कंसेप्ट हमने धीरे धीरे डिस्कशन किया। जैसे हमने समझा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, उसके दो टाइप्स स्केलर और वेक्टर दोनों का डिफरेंस समझा, फिर हमने ये समझा कि कुछ कुछ क्वांटिटीज वेक्टर होते हैं और उसका डायरेक्शन भी होता है, लेकिन कुछ कुछ डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो वेक्टर नहीं होते हैं। फिर हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा, फिर माय डियर स्टूडेंट हमने ये समझा कि इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, किस तरह से डायरेक्शन को हम लोग सेटअप कर सकते हैं अपने इस मेथड में। तो डायरेक्शन के बारे में समझ लिया कि किधर कितना डिग्री, किस अगर 30 डिग्री आ गया तो किधर से किधर होगा, सब 20 डिग्री होगा तो किधर से किधर होगा, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग जान के बैठे। कल जो मेरा जो लेक्चर आएगा, कल जो मैं डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा, उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स उसमें सोल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर्स, उसके बाद पढ़ेंगे पैरेलल शिफ्टिंग, बहुत सारा पॉइंट्स आएगा इसके बारे में जो वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और माय डियर स्टूडेंट बहुत अच्छा चलेगा धीरे 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 धीरे, और बहुत इसमें इंप्रूवमेंट आएगा। अभी तो मेरा पहला लेक्चर है, और धीरे 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 इसके बारे में डिटेल्स देते जाएंगे। आप लोग को बस मेरे साथ बने रहना, बस आप लोग रहिए मेरे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए, जो दोस्त एफर्ट नहीं कर पा रहे उनको ये चीज़ नहीं पढ़, उनका पढ़ाई रुका हुआ है, तो ये चीज़ उनको भेजिए, वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और वो भी इस चीज़ का जो उनका ड्रीम है वो पूरा कर सके। तो चलते हैं माय डियर स्टूडेंट, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।